वेलकम बैक टू कॉस्टी चैनल। शर्ट के चाक या स्लीट्स पर अंडरग्राउंड पाइपिंग कैसे लगाएं, वो भी आसान तरीके से, चलिए देखते हैं। सबसे पहले शर्ट को स्टिच कर लेना है और इसे उल्टा करके इस तरीके से रखा है, और जो ये चाक हैं यहाँ पर अब पाइपिंग को स्टिच करना है। मैं आपको पाइपिंग दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से ये पाइपिंग है। घेरे वाली साइड से 1.5 इंच का निशान लगा लिया और हिप्स वाली साइड से भी 1.5 इंच का निशान लगा लिया, और इसे इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। आप इसे नाखून से भी दबा सकते हैं या इसे प्रेस कर लें। मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। नीचे वाले पल्ले को भी इसी तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर अब प्रेस कर लेनी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों चाक्स पे निशान प्रेस के आगे हैं, और यहाँ से अब पाइपिंग को इस तरीके से स्टिच करना है। 1.5 इंच ऊपर पाइपिंग को रखना है और इस निशान पर स्टिच करते जाना है। तो चलिए स्टिच करते हैं, और जो ये प्रेस का निशान है इसे कपड़े को इस तरह से निकालना है और ऊपर से 1.5 इंच का निशान लगाकर लेस को 1.5 इंच ऊपर की तरफ रखकर स्टिच करना है। और जो ये प्रेस का निशान दिख रहा है इसके ऊपर पाइपिंग को इस तरीके से रखते जाना है और स्टिच करते जाना है। ध्यान रखना है बिल्कुल साइड से ही स्टिच करें, पाइपिंग के ऊपर इसे स्टिच नहीं करना है। अब यहाँ से पाइपिंग को कट कर लेना है। अब ध्यान से देखिए, कपड़े को एक बार फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड करना है और कपड़े के ऊपर स्टिचिंग करनी है। ये कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और पाइपिंग वाली साइड को बाहर की तरफ निकालते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। ध्यान रखना है पाइपिंग के ऊपर स्टिचिंग नहीं करनी है, कपड़े के ऊपर स्टिच करें। एक साइड से पाइपिंग लग चुकी है और जो ये दूसरी साइड से है यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी स्टिचिंग कर रही हूँ। एक चाक पर पाइपिंग लगा ली है, इसी तरीके से दूसरी साइड भी मैं आपको लगाकर बताती हूँ। ये नीचे वाली साइड से शुरू कर रही हूँ। देखिए पाइपिंग को सीधी वाली तरफ रखना है और साइड साइड पर स्टिचिंग करनी है। जहाँ पर प्रेस का निशान है वहाँ पर इस पाइपिंग को रखते हुए स्टिच करते जाना है।
अब यहाँ पर ये हिप्स के पास इस पाइपिंग को इस तरीके से स्टिच करना है और 1.5 इंच ऊपर की तरफ को स्टिच कर लेना है। सेम उसी तरह एक बार फोल्ड लगाया और एक और फोल्ड लगाया और इसके ऊपर भी स्टिच कर लेना है। अब पाइपिंग को बाहर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग करते जाना है। एक्स्ट्रा धागों को काट देना है और नीचे से पाइपिंग को बराबर सेट करके इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ पर डबल स्टिचिंग कर लेनी है और धागों को ध्यान से कट करना है। देखिए, एक साइड से चाक पर पाइपिंग को लगा लिया है और यहाँ पर भी अब स्टिचिंग कर लेनी है। एक साइड से पाइपिंग को लगा लिया है और इसी तरीके से दूसरी साइड भी मैंने पाइपिंग को लगा लिया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।